अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कोकनी स्टाइल में आलू बैगन और झींगे की सब्जी। खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। आलू और बैगन के साथ झींगे का एक जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगते हैं और बनाना भी बहुत ईजी है। तो चले हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते बनाना बिस्मिल्लाह बोलकर। तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर लें और फिर इस तरह से एक एक करके आलू इसमें ऐड कर दें और आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लें। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकालते चली जाऊंगी। उसी ऑयल में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूंगी मैं, एक छोटे चम्मच के करीब। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते भी ऐड कर दिए थोड़े। दो मीडियम साइज की प्याज यहाँ मैंने बारीक कट कर ली है, वो भी ऐड कर दूंगी इसमें मैं अब और अच्छे से फ्राई कर लूंगी। प्याज को अच्छे से फ्राई करते हुए हमने पका लेना है। प्याज को इतना ही फ्राई करना है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से चलाते हुए मैं भून लूँगी। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। इसे भी हमने अच्छा से नरम होने तक भून लेना है और इसे कवर करके थोड़ा देर पका लेना है। टमाटरों को अच्छे से मैंने भून लिया था, अब मैं इन्हें नरम होने दूंगी। तो मैं इन्हें ढककर थोड़ा देर लो फ्लेम पर पका लूंगी। आप चाहें तो टमाटरों में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इन्हें ढककर अच्छे से पकने रख सकते हैं। अब मैं इन्हें और थोड़ा देर इसी तरह से भून लूंगी। अब इनमें थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। दो छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से रखें, दो छोटे चम्मच धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और डेढ़ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी ताकि मसाला जले नहीं भूनते वक्त। अब अच्छे से मसालों को भी हम भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाना है और मसाले को भून लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है और जो टमाटर थे हमारे वो भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब मैं झींगे जो हमने साफ करके रखे थे वो ऐड कर दूंगी।
और मसालों के साथ झींगे को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी और भून लूँगी। पानी ऐड नहीं करना है अभी इसमें। मसालों के साथ झींगे को अच्छे से भून लेना है और फ्राई कर लेना है इसी तरह से। अब मैं इसमें बैंगन ऐड कर दूंगी और साथ ही साथ जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था वो भी ऐड कर दूंगी। आलूओं को भी मैंने ऐड कर दिया और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें और ढककर पकने के लिए रख दें। मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ये अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक साथ काफ़ी सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे कवर करके पकाना है। बीच बीच में थोड़ा आपने इसे चम्मच से इसी तरह मिक्स करते हुए भून भी लेना है। आलू नहीं पके हैं इसीलिए और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अब मैं इन्हें अच्छे से पका लूँगी। अच्छा एक बॉईल आ जाए उसके बाद इसे कवर कर दें और पकने के लिए रख दें। पाँच से सात मिनट के बाद चेक कर लें इसमें पानी कितना है और हमारे आलू और बैंगन पके हैं या नहीं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इन्हें कवर नहीं करूंगी, इन्हें ऐसे ही पकाऊंगी। आलू और बैंगन ऐसे ही पक जाएंगे। इसका पानी अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया है, ज़्यादा पानी नहीं सुखाना है, थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें रहने देना है। अब मैं आलू चेक कर रही हूँ आलू पके हैं या नहीं। ये देखें ये अच्छे से पक चुका है। कोकनी स्टाइल में आलू बैंगन और झींगे की जो सब्ज़ी है वो रेडी है। इसे सर्व करें आप रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है ये खाने के लिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बैंगन और आलू के साथ जो झींगे का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, तो ज़रूर इसे ट्राई करें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।